उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों व वन्यजीव अभयारण्यों पर चल रही DIS की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम कैमूर वन्यजीव अभयारण्य तथा सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में पहला नाम आता है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कहा जाने वाला कैमूर वन्यजीव अभयारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र दो जिलों के क्षेत्रों में फैला है। गौरतलब है कि कैमूर पर्वत श्रृंखला में स्थित यह अभयारण्य करकट और तिलहर जैसे अनेकों जलप्रपातों से समृद्ध है। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में यहाँ पाई जाने वाली गुफाएं शामिल हैं, जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकारी यानी एंसियंट केव पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक प्राचीन जीवाश्म या फॉसिल पार्क भी है। अगर यहाँ के जीव जंतुओं पर नजर डालें तो कैमूर अभयारण्य देशी विदेशी पक्षियों के साथ साथ ब्लैक बक और तेंदुए जैसे कई दुर्लभ प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता आया है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के इस अंक के दूसरे अभयारण्य की ओर, जिसका नाम है सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य। सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज जिले में गोरखपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों पर अगर प्रकाश डालें तो यह अभयारण्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ अंतरराज्यीय सीमा का भी निर्माण करता है। दरअसल सोहागी बरवा अभयारण्य के उत्तर में भारत नेपाल सीमा तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश बिहार सीमा स्थित है। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में मधौलिया और लक्ष्मीपुर श्रृंखला शामिल है। इसके अलावा यहाँ के जल स्रोतों में गंडक, प्यास व रोहिन नदियों के साथ साथ सिंग्रहणा जैसे कई ताल मुख्य रूप से शामिल हैं। यहाँ के वन्य जीवों में मुख्यतया बाघ, तेंदुए व चीतल आदि शामिल हैं।